जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल लव फॉर बर्ड्स, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना, ठीक है जी। तो आज बड़ी अहम टॉपिक पर बात होने वाली है जी, आप लोगों से गुफ्तगू करनी है थोड़ी सी। जैसे कहते हैं यार बंद करो कराची, आज हमने वैसे ही कहना है कि यार बंद करो भीड़, क्योंकि आ गई है गर्मी और भीड़ तुम्हारा गर्मी है। तो आप लोगों को यही बताना था कि आज भाई मैं तो करने लगा हूँ ब्रीड बंद, अपने बर्ड्स की, अपने परिंदों की, अपने पिजन्स की और अपने रैबिट्स की, ठीक है जी, सारों की ब्रीड बंद करवाने लगा हूँ। इनसे बच्चे बिल्कुल नहीं लेने, गर्मी बहुत आ गई है, ये बच्चों को संभालने के चक्कर में खुद मरी जा रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो गया मेरा, मुर्गी मर गई ऐसी, कुछ पिजन मर गए, तोते मर गए, इस चक्कर में सिर्फ ब्रीड के चक्कर में। तो बंद कर दो यार आप लोग की ब्रीड। तो मैं आज इनके जो केजी जॉन के अंदर से जो इनकी ब्रीडिंग वाली नेस्टिंग बॉक्स हैं वो सारे निकालने वाला हूँ, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है और आप लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा कि यार गर्मी आ गई है, ब्रीड बंद कर दो, ब्रीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार ब्रीड से होता नुकसान ही है। गर्मी होगी, सर्दी का मौसम है, वो सीज़न है, तब ब्रीड जैसे मर्जी लेते रहे, वो आपकी किस्मत है, लेकिन यार गर्मियों में इन बेचारों को ना आजमाया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गर्मी में ब्रीड के चक्कर में जो गाड़ी बात है, जो बच्चे हैं ना, और माँ और बच्चे या माँ बाप का कनेक्शन बच्चों के साथ एक ऐसा है, गर्मी है सर्दी है, उन्होंने खिलाना है पिलाना है, उन्होंने संभालना है, लेकिन उनके संभालने के चक्कर में ये खुद मर जाते हैं। फीमेल अंडों पर बैठ जाती है, अंडों पर बैठने के बाद खाने पीने के लिए बाहर ही नहीं आती, तो मर जाती है, जाहिर बात एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए आज हमने ब्रीड को यार बिल्कुल बैन करना है, आज हम ब्रीड को बंद करते हैं, बायकॉट कर रहे हैं गर्मियों के लिए, तकरीबन कुछ 4 मंथ के लिए ब्रीड बिल्कुल बंद करने लगा मैं। तो इनके जल्दी से नेस्टिंग बॉक्स बाहर निकालते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। लेडी यार दोस्तों, अब ना मैं पिजन्स को जल्दी से बाहर निकाल रहा हूँ, कुछ तो बाहर खुद ही आ गए हैं, तो जो रह गए उनको भी बाहर निकालते हैं, और ताकि इनके बॉक्स नेस्टिंग हम हटा लें। दे दी ये पिंजरा हो गया खाली, तो अब जल्दी से यार इनके अंदर जाके ना बॉक्स वगैरह हटाते हैं। लेडी यार बॉक्स निकालने का सिलसिला हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये नेस्टिंग बॉक्स, इनकी सफाई वगैरह करते हैं, और कल प्रॉपर आप लोगों को एक सफाई का तरीका बताएंगे, उस तरीके से आपने सफाई करनी है वो कल करेंगे। आज ना ये नेस्टिंग वगैरह इनकी निकाल, यहाँ पे तो अंडा दिया, क्या हुआ अंडा दिया, पिजन ने अंडा दिया वाले जी दोस्तों, वो अंडा पड़ा होगा, वेस्ट करना यार ये अंडा है, लेकिन वेस्ट है, नहीं करना हमने, हैच नहीं करवाना इसको, क्योंकि यार गर्मी बहुत है, फीमेल एक्सपायर हो रही है हमारी। जी दोस्तों ये कीड़े देख ले कितने ज़्यादा, इसलिए हम अपनी आर्मी को बुला रहे हैं, आर्मी खोल दी है हमारी, इनकी माँ को बंद रहने देंगे, वो बड़ा मारती है, नहीं उसने जलील करना है यार, उसने जलील करना है, वो मारेगी लेकिन फिर वो पिंजरे को करेगी। वो देख ले हमारी आर्मी चली गई है कीड़ों का सफाया करने, ये खुद ही कीड़े खा लेंगे, ये गए बस, आर्मी हमारी का यही तो काम है एक। वो देख ले जी शौक से जा रहे हैं, वो देखे जी देख रहे हैं, ले रही यार दोस्तों देख लें जी अंदर की ये सफाई हुई है, ठीक है जी, अंदर एक बच्चा भी है, ठीक है, अब इसकी किस्मत है, इसको मैंने साइड पर रख के देख लें जी, ये एक बच्चा भी है, और ये हमारी टीम काफ़ी हमारी मदद कर रही है इस काम में, ठीक है जी। तो सफाई हो गई है, अब फाइनली ये कचरा वगैरह अंदर फेंकते हैं, वो अंदर कह रहा हूँ बाहर फेंकते हैं, और यार अपने रैबिट्स को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो चारों को बंद रखा हुआ, उनको बाहर निकालते हैं, निकाल दे यार खुद ही आ जाएंगे बस, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सफाई करते हैं इधर की, फिर आप लोग को दिखाते हैं। नहीं यार दोस्तों अब अपने लव बर्ड्स के जो कुजे शुजे हैं वो निकालने हैं बाहर, तो ये उतारते हैं और इनकी सफाई वगैरह करते हैं, फिर आप लोग, ये आ गया, हाँ जी इनकी भी ब्रीड यार बंद करवा रहे हैं हम, इनको रोक रहे हैं ब्रीड से, और अब इनके हम कुजे शुजे उतारने लगे हैं। नहीं यार दोस्तों उधर काम चल रहा है, हमारी पूरी कोरोना टीम उधर कुजों पर काम कर रही है, तब तक मैंने यार इनको डाइट दे दी इनकी, ठीक है जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको बेचारी को ना मैंने बंद कर दिया है, बहुत तंग कर रही थी, तो वापस यार इनको ना खोल देते हैं। चलो जी आ जाओ सारे आ जाओ, शाबाश, ये खाओ
ठीक है जी, इनको डाइट हो गई है, वो भी हो गई, सारों को डाइट सेट हो गई इनकी। ठीक है जी मेरी यार दोस्तों, ये तोतों के मटके भी उतर गए हैं। ठीक है जी, ये देख लें जी, भरे पड़े हैं अंदर, पता नहीं क्या क्या है। ये इनकी सफाई करते हैं सारे कुछों की, ये देखें पता नहीं क्या क्या निकल रहा है अंदर से। तो अब सीज़न इनका एंड हो गया, तो यार आप लोग भी इनको ज़रा थोड़ी सी रेस्ट दें अपने परिंदों को, उनकी ब्रीड वगैरह बंद करवा दें, बड़े फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो बेचारों का नुकसान हो जाएगा। जब सीज़न आएगा तब आप लोगों को फिर बच्चे मिलेंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से पहले जो पेड़ होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाद में फिर बच्चे नहीं मिलते, फिर कहते हैं जी सीज़न आ गया बच्चे नहीं दे रहे। बच्चे लेने हैं तो गर्मियों में ब्रीड बंद करवा दो। ले रही यार दोस्तों, ये देख लें जी, काफ़ी गंद पड़ गया इस जगह पर, लेकिन ये दो केजिस की सफाई बहुत ही अच्छे से हो गई है। एक तो लव बर्ड्स की, ठीक है जी, सफाई देख सकते हैं, और ये मुर्गी मारती है इसलिए ऐसे डर लगता है, इस पिंजरे की भी हो गई है। तो कल यार, कल का जो मेरा प्लान है वो ये है कि कल इन केजिस की ना थोड़ी वैक्सीनेशन करेंगे, वो आप लोगों को बताऊँगा। इसके अंदर कीड़े हैं, आप लोगों को पता है, तो कीड़े कैसे जाएंगे, मच्छरों से कैसे मतलब बचना है, वो कल करेंगे। तो अभी जो लव बर्ड्स का ना, वो दाना वगैरह देना है इनको, तो वो देते हैं, लेकर आ जा रही है जी, ये लव बर्ड्स को दाना देते हैं इनका, आराम से अभी रहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि वो बड़ी गंद वगैरह था, ये साफ हो गया, और वो देख रहे जी कुछ छुटे अभी सारे उतार दिए हैं। ठीक है जी, तो अभी ये ज़रा रिलैक्स रहेंगे। तो कुछ ज़रा ब्रीड मैंने बंद करवाई है इनकी, तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि यार अगर सर्दियों में ब्रीड अच्छी लेनी है ना, तो गर्मियों में बंद करवा दो, गर्मियों में मिलता भी कुछ नहीं और नुकसान भी बढ़ का हो जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए यार अगर सर्दियों में ब्रीड अच्छी लेनी, गर्मियों को बंद करवाओ, और गर्मियों को ये है कि इनको अच्छी डाइट दो ताकि ये सर्दियों के लिए रेडी हो जाए। तो अब इनको सर्दियों में जो डाइट देनी है वो सिट्टा वगैरह हो गया, छनी वगैरह, कॉर्न होगी जो, वो देते हैं, उसके बाद दाना, सलाद, उसके बाद कद्दू, पालक वगैरह, हरी सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें देनी है, नहीं कि सिर्फ दाना दे रहे हैं, टाइम पर दे रहे हैं, चलो जी ये अच्छी खुराक है, ये अच्छी खुराक बिल्कुल नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है इनको छिट्टा वगैरह जो होता है ना, वो दें छिल्ली का, तो वो बड़ा बेनिफिट होता है आगे जाके ब्रीड के लिए। तो अब इस जगह की जल्दी से सफाई करते हैं, और उनको भी इनकी डाइट शाइट हमने दे दी है, तो ये जगह साफ करते हैं सारी। दोस्तों देख रहे हैं जी, ये नया घर देख रहे हैं, और किस तरह से अपने घर में देख रहे हैं, देखिए इनको पता नहीं चल रहा कि ये घर हमारा ही है या घर तो इनका, लेकिन चेंजिंग क्या हो गई है यार, ये उड़ गया, ये गलत हो गया, शिट आ जाएगा भी कभी। ले जी यार दोस्तों, देख ले जी, जो हमारे जो पिजन्स है वो अपनी डाइट शाइट खा कर तो अपने घर को जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको उनके डाइट मिल गई है। उसके बाद देख ले जी, ये सारे जो परिंदे हैं उनकी सफाई हमने कर दी है, ये चार तोड़े भरे हैं हमने सफाई के। ठीक है जी, ये देख लें, ये कुछ ब्रीडिंग के वो जो क्रेट वगैरह थे, और उसके जो तोतों के कुजे थे वो मैंने इधर रख दिए हैं यार, ये कुजे मैंने रख दिए हैं। ठीक है जी, सारी ब्रीडिंग बंद करवा दी है। ठीक है जी, आप तकरीबन 4 मंथ मेरे सेटअप पर आप लोगों को ब्रीडिंग नहीं नज़र आएगी, मैं ब्रीड नहीं ले रहा इनसे, ना मुझे ब्रीड चाहिए, बस ये सेव रहें, ये गर्मी में सर्वाइव कर लें, सर्दियों में ब्रीड लेते रहेंगे, जितनी ब्रीड लेनी होगी, वादू ब्रीडें बड़ी मिलती हैं, लेकिन सर्दियों में मज़ा भी आता है, जानवर भी रिलैक्स रहता है, और ज़्यादा परिंदे और अच्छे और एक्टिव और हेल्दी बच्चे मिलते हैं। गर्मियों में खुद हवादार होते तो बच्चों को उनको क्या पालना है, तो ये बीमार हो जाते, मर जाते, एक्सपायर हो जाते हैं, ये जुल्म है, तो ये ना करें, तो रुक जाएं ब्रीडिंग से, हम भी रुके हैं, आप लोग भी रुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक लाजमी करो, हमारे चैनल अप फॉर बर्ड्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आती रहती है मज़ेदार वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, हमें दें इजाज़त।